वेलकम टू द प्रैक्टिकल सेशन ऑफ पाइथन गाइस। आज देखते हैं कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं IDLE, और वो हमें दे देगा हमारा इंस्टॉल वर्जन शो कर देगा। उसके बाद अभी देखते हैं ये ओपन करेगा। सबसे पहले स्क्रिप्ट मोड में हमें जाना है, तो ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, हो गया ओपन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ स्क्रिप्ट मोड में, और स्क्रिप्ट मोड में सबसे पहले मैं एक वेरिएबल, चलिए मैं इसको साइड बाई साइड कर देता हूँ जैसे कि मैं आपको आउटपुट शो करता जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल टू इनपुट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं पाइथन 3.x में। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया जिससे कि यूजर जो है वो मैसेज देखकर उसे समझ में आ जाए कि क्या नंबर क्या वैल्यू एंटर करनी है, और जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर होगी वो यहाँ पर चली जाएगी वेरिएबल x के अंदर, और वो वैल्यू प्रिंट कर देगा वेरिएबल x की। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, और सेव डेस्कटॉप पर यहाँ पर नाम दे देते हैं न्यू पाइथन फाइल, सेव कर लेते हैं, और चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये इसका आउटपुट शो कर रहा है एंटर नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 23, तो ये जो 23 होगा वो मेरे वैल्यूबल एक्स के अंदर चला जाएगा और वो यहाँ पर वैल्यूबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल इनपुट फंक्शन था जहाँ पे आपने एक वैल्यू एंटर की है और उसने उसको उसको प्रिंट कर दिया। तो अब चलिए देखते हैं कि ये जो वैल्यू आपने एंटर की थी वो वैल्यू जो है वो किस टाइप की एंटर हुई है। तो प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग टाइप, जस्ट टू चेक द टाइप ऑफ योर एंटर्ड वैल्यू। तो इसको सेव कर लेते हैं फिर से और इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो भी वैल्यू आप एंटर करते हो वो स्ट्रिंग फॉर्म में एंटर होती है, तो वो अभी आपको क्लास स्ट्रिंग शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग शो हो रहा है, तो ये जो आपका वेरिएबल x है ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये आपका एज इट इज प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, और उसके साथ यहाँ पर ये आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अगर आप डबल कोट्स में लिखेंगे तो एज इट इज प्रिंट होगा, अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो वो वहां पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे जो टाइप फंक्शन है वो आपको रिटर्न करेगा जिस टाइप का डेटा आपने एंटर किया है। तो अभी क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का, तो अगर आप इसमें कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंपल प्रिंट, और जो भी आपके एंटर्ड वैल्यू है अगर आप इसमें प्लस 20 करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। देखिए रन करके देखते हैं, मैंने यहां पर दिया 23, बट क्योंकि ये आपका और ये जो 23 आपने जो एंटर किया वो क्योंकि आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो वो 23 20 के संग ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग को आप इंटीजर्स में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपको एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, सिर्फ आपको स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ही कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। तो क्या करेंगे, ये आपको सही आउटपुट दे, तो उसके लिए आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको इंटीजर फॉर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग के लिए आपने इसके आगे लिख दिया है फंक्शन के आगे, आप इसे इंटीजर में चाहते हैं, और आप सेव कर देते हैं। अब देखिए रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप जो वो टाइप शो करेगा वो स्ट्रिंग ना शो करके वो आपको शो करेगा इंटीजर, तो क्लास इंटीजर का शो करेगा। आप जरा देखते हैं रन कर कर, देखिए यहाँ पे मैंने दिया 20, या मैंने चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, और यहाँ पे आप देखिए वो शो कर रहा है आपको x की वैल्यू 50, बट यहाँ पे आप जो 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 क्लास है वो आपकी इंटीजर हो गई है, और वो आपको अब आउटपुट दे पा रहा है 50 को 20 में ऐड कर पा रहा है, क्योंकि अब दोनों इंटीजर हो गए हैं, तो वो आपको 70 दे पा रहा है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ फ्लोट वैल्यू, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने इसको इंटीजर में टाइपकास्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 23.5, तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप इसे इंटीजर में टाइपकास्ट कर रहे हो और वो आपको एरर दे रहा है। तो अगर आपको फ्लोट में अगर आपको वैल्यू अगर एंटर करानी है, तो आपको यहाँ पर टाइपकास्ट करना पड़ेगा उसको फ्लोट टाइप में, FLOAT फ्लोट लिख देते हैं, और अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, तो वो आपको क्लास भी शो कर देगा फ्लोट की। तो मैंने कोई भी नंबर यहाँ पर दे दिया, तो वो अब यहाँ पे क्लास आपको शो कर पा रहा है फ्लोट। तो यहाँ पे आपने इसको फ्लोट में टाइपकास्ट किया है, ऐसे आप यहाँ पे इसे किसी भी डेटा टाइप में टाइपकास्ट कर सकते हैं, और इसने आपको आंसर दे दिया है 23.5 प्लस 20 इज इक्वल टू 43.5। तो गाइस सिंपल है बिल्कुल, अगर आपको एंटर करना है कोई भी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पार्ट हो सकता है, तो आप इसको फ्लोट में ही कन्वर्ट कर चलेंगे, और अगर आपको लगता है उसमें डेसिमल पार्ट हो ही नहीं सकता है तो फिर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और ऐसा ही कुछ मैसेज दे देते हैं, एक और फर्स्ट सेकंड नंबर इसे ले लेते हैं हम लोग वेरिएबल y में। तो आप जो फर्स्ट नंबर एंटर कराएंगे वो x में चला जाएगा,
और जो सेकंड नंबर होगा वो आपका वाई में एंटर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई कर देते हैं और यहाँ पर एक सिंपल मैसेज दे देते हैं, प्रिंट सम ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल, और यहां पे आ जाएगा आपका जेड। तो देखिए जरा इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए ये क्या होगा कि यहाँ पे जो सम ऑफ है, क्योंकि वो मैंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है एज इट इज, आपको वो स्ट्रिंग फॉर्म में वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे वो वेरिएबल की वैल्यू आपको शो करेगा, यहाँ पे फिर से वो एंड का जो सिंबल है वो आपको ये शो कर देगा, प्रिंट कर देगा एज इट इज। वाई की वो वैल्यू उठाएगा वेरिएबल की, और इक्वल का जो साइन है वो एज इट इज प्रिंट होगा, और जेड की जो वैल्यू होगी वो जो भी उसने सम किया होगा एक्स और वाई का वो आपको शो कर देगा। तो चलिए जरा देखते हैं इसको रन कर। ओके यहाँ पर रह गए हैं, एक एक ब्रेसेस लगाने रह गए थे। तो अब रन करते हैं इसको, और ये देखिए रन कर गया। तो यहाँ पे मैंने पहला नंबर एंटर कराया 56.8, सेकंड नंबर मैंने एंटर करा दिया 99.8 का दिया, तो उसने यहाँ पर मुझे आउटपुट दे दिया है सम ऑफ 56.8 एंड 9 इज इक्वल टू 66.6। और अगर आप इसी प्रोग्राम में अगर आप इंटीजर वैल्यू अगर आप एंटर करा देते हैं तो भी वो परफेक्टली काम करेगा। मैंने लिखा 56 और अगर मैंने लिख दिया 89 तो वो वहां पर, क्योंकि आपने डेसिमल में इसे कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो डेसिमल पार्ट जीरो शो करेगा और काम आपको करके दे देगा। तो गाइज ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम था, और इसके बेस पे आप लोग और भी बहुत सारे प्रोग्राम इस पे थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करके आप लोग कर सकते हो। जैसे आपको सिंपल अगर आपको एवरेज अगर निकालना है तो आप यहाँ पे इनको एनक्लोज करिए और यहाँ पर डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए, तो आप यहाँ पर सिंपल यहाँ पर बना सकते हैं एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला एक नंबर दे दिया से 50 और एक दे देते हैं 60, तो उसका एवरेज 55 आ जाएगा। तो ये 55 उसने आपको एवरेज शो कर दिया। तो ये बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन है, इनपुट ऑपरेशन जो आप लोग यूज करते हैं पाइथन 3x में। इनपुट फंक्शन ही आपको वो सारी फैसिलिटी दे देता है, आप उसमें कुछ भी किसी भी तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं। अब देखते हैं आउटपुट फंक्शन में आप क्या क्या फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों का आउटपुट पहले फंक्शन डिस्कस किए थे, पर यहाँ पर एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और हेलो, और मैंने नेक्स्ट लाइन में लिख दिया प्रिंट स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो हर बार जो प्रिंट फंक्शन होता है वो आपको न्यू लाइन में ही आउटपुट देता है। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो वो आपको न्यू लाइन में हेलो स्टूडेंट्स दे देगा। अगर आपको इसे सेम लाइन में प्रिंट करना है तो सिंपल सा है कि अगर आप इसको सेम लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो या तो आप इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं तो ये आपको सेम लाइन में प्रिंट करके दे देगा। बट कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स का जो आउटपुट होता है वो हमें सेम लाइन में लाना होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर इस तरह से ना काम करके हम लोग कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसमें हम लोग को लिखना होगा एंड और इक्वल्स टू डबल कोट्स लगा देंगे, और ये आपको अब दोनों लाइन्स को मर्ज कर आपको एक लाइन में आपको आउटपुट शो कर देगा। तो ये देखिए हेलो स्टूडेंट्स आ गया। ये हेलो स्टूडेंट्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेस आपको नहीं दिख रही है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अभी आपने जो एंड इक्वल्स टू लिखा था उसमें आपने स्पेस नहीं दी थी, तो यहाँ पे स्पेस अगर लानी है तो आपको यहाँ पर स्पेस देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी, और स्पेस देने के बाद अगर आप रन करोगे तो यहाँ देखिए उसने स्पेस दे दी है, और इससे कुछ और भी फॉर्मेट्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ और प्रिंट स्टेटमेंट्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ पर लिखा 2+3, तो सिंपली आपको प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, जैसे मैंने स्ट्रिंग ले ली एबीसी, और एबीसी में मैंने कोई नंबर एंटर करने की कोशिश की है तो जाहिर सी बात है वो मुझे एरर दे देगा क्योंकि स्ट्रिंग नंबर में एंटर नहीं हो पाएगी। उसके साथ अगर मैं यहाँ पर किसी डेसिमल वैल्यू को अगर मैं एंटर करता हूँ किसी एक इंटीजर वैल्यू के साथ,
तो वो मुझे ये काम करने देगा क्योंकि दोनों न्यूमेरिक फॉर्मेट हैं, तो ये मुझे वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे करते हैं सिंपल, एक स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में अगर आप ऐड करते हैं, जैसे मैंने लिखा राजीव, राजीव के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस, और यहाँ पे लगा दिया राजीव के बाद कुमार, तो ये आपको राजीव और कुमार जो है वो विद स्पेस आपको दे देगा। मगर यहाँ पे इसके बीच में सॉरी इसमें स्पेस नहीं आएगी। स्पेस अगर चाहिए तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा राजीव, और फिर स्पेस के लिए आपको चाहिए होगा यहाँ पर कॉमा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कुमार। तो देखिए ऊपर वाले केस में यानी कि इसमें कॉन्केटनेशन होगा, विदाउट स्पेस वो आपको शो करेगा, यहाँ पे आपको स्पेस शो कर देगा। अभी आप किसको रन करके देखते हैं, इससे पहले एक और फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ राजीव, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लेता हूँ, कोई भी अगर सिंबल नहीं लेता हूँ, तो वो मुझे क्या शो करेगा? तो बाय डिफॉल्ट ये जो है कॉन्केटनेशन वाला काम करता है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो कॉन्केटनेशन वाला काम कर आपको दे देगा। तो चलिए ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे रन किया, तो ये आपको आउटपुट में आपको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो फॉर्मेट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए उसने यहाँ पर 5 दे दिया, 5 देने के बाद वो यहाँ पर इसके लिए एरर दे रहा है। तो बाकी आउटपुट देखने के लिए मुझे इसको पहले हाइड करना पड़ेगा, मुझे इसको कमेंट बनाना पड़ेगा। अब इसको फर्दर रन करते हैं तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये वाला जो जो स्टेटमेंट है वो आपका रन नहीं होगा क्योंकि इंटीजर में स्ट्रिंग में इंटीजर जो होगा वो आपका नहीं ऐड हो पाएगा। तो अभी चलिए फिर से इसको रन करते हैं। तो देखिए बाकी जो आउटपुट आपको आ रहे हैं इसके लिए आपको वो शो करना है 79.5, इसके लिए वो शो कर रहा है राजीव विदाउट स्पेस, और यहाँ पे स्पेस चाहिए तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कॉमा, और यहाँ पे भी वो कॉन्केटनेशन वाला ही काम कर रहा है और वहां पे आपको स्पेस नहीं देगा, तो प्लस वाला ही काम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको अगर देखेंगे तो इसे बोलेंगे हम लोग कॉन्केटनेशन एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग, और इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन मीन्स द एडिशन ऑफ टू नंबर्स और टू इंटीजर्स। तो यहाँ पर ये कुछ फंक्शंस हैं प्रिंट फंक्शंस, इसके बेस पे आप लोग अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में अगर आपके काम का कुछ कंटेंट अगर आपको मिला हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए टिल देन गुड बाय।